नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर, द्वार फॉर्म्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज आपको दिखाने लाया हूं यंगस्टर अपार्टमेंट में ये फ्लैट है। आप देखें, यहां से हमारी एंट्री है, तो ये सारा स्पेस आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा। यहां से हमारी एंट्री है फ्लैट में, इतना बड़ा डोर मिल जाएगा वुडन, आप देख सकते हैं। यहां पे आपको सर्वेंट रूम मिलता है और यहां से हमारी मेन जो डोर है वो ये शुरू होता है। आज आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट का फ्लैट दिखाऊंगा। ये हमारा सबसे पहले सर्वेंट देख लो, और इसके साथ वॉशरूम भी है और एक बालकनी भी मिलती है आपको। तो इस तरह से वॉशरूम, सर्वेंट रूम और ये वॉशरूम यंगस्टर अपार्टमेंट में लेके आया हूँ। यहाँ से आप आएंगे फ्लैट के अंदर, तो आप देखेंगे ये हमें मिलता है हमारा ड्राइंग रूम। तो ये लिविंग एरिया मिलता है, यहाँ पर आपको डाइनिंग मिलेगा। ये इतना बड़ा आपको लिविंग एरिया यंगस्टर अपार्टमेंट में ही फ्लैट दिखा रहा हूँ आपको। ये लिविंग एरिया मिलता है, यहाँ पर डाइनिंग, तो लिविंग डाइनिंग आपका इस तरह से। ये ओपन किचन मिलती है, सामने आपको बालकनी मिल जाएगी। किचन की बात है, इस तरह से यू शेप में किचन दी हुई है। तो आप देखें, पूरा मॉड्यूलर काम किया हुआ है इस तरह से। यहाँ आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाएगा, अपना माइक्रोवेव OTG लगा सकते हैं, यहाँ आपका गैस हॉब लगा सकते हो। सॉफ्ट क्लोज के साथ ये पूरा इनोटेक की फिटिंग्स के साथ पूरी किचन बनी हुई है इस तरह से। यहाँ से देखेंगे आप, किचन पेंट्री भी मिल जाएगी आपको, और ये पूरी आइलैंड टाइप का आपको लुक मिलता है। यहाँ पे अपना चॉपिंग करना हो, कुछ आइटम्स रखने हो, तो यहाँ पर भी नीचे स्टोरेज के लिए सारा स्पेस मिलता है आपको। बेडरूम्स की बात करूँ तो आपको बेडरूम दिखाना शुरू कर। सबसे पहले हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलता है, इधर सर्वेंट मिलता है, इधर बेडरूम। तो बेडरूम, इसको गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हो या जैसे मर्जी। ये आपको वॉशरूम मिलता है, ये पहले वॉशरूम देख लो। तो ये वॉशरूम मिलता है और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये बेडरूम भी देख सकते हैं, इसमें आपको इधर वार्डरोब मिल जाएगी और ये पूरा आप बेडरूम देख सकते हैं। इसको आप गेस्ट बेडरूम बना लें या जैसे मर्जी किड्स रूम बना लें, इस तरह से ये रूम है आपका। यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल गया, ये आपका हैंड वॉश करने के लिए हो गया। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, 2, 4, 6, 8, 10 लगभग, तो 16x10 का ये रूम साइज़ है। इसमें आपको यहाँ पर वार्डरोब मिलती है और यहाँ पे छोटी सी बालकनी हमने कवर की हुई है, अगर आप देखेंगे। और इसका बाहर का इसलिए आपको जो व्यू नज़र आता है वो अमेजिंग व्यू नज़र आएगा, तो आप एक बार व्यू देखेंगे तो ये व्यू नज़र आएगा। सामने सारी सेक्टर 2 की सोसाइटियाँ हैं, जॉय, प्रज्ञा, तो इस तरह से सारी सोसाइटियाँ मिल जाएंगी। ये सामने आपके रुद्रा अपार्टमेंट है, इसमें भी सेक्टर 6 में रुद्रा, मणिपाल हॉस्पिटल के पास ये सोसाइटी है। ये सेकंड बेडरूम और इसके सामने आपको मिलता है, आप देखेंगे वॉशरूम, इसके साथ वॉशरूम मिलता है आपको। ये दो बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पर है हमारा थर्ड बेडरूम। हमारा थर्ड बेडरूम मिलता है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसका साइज आपका 8 और लगभग 12, 2, 4, 6, 8, 10, 10x12 का ये रूम साइज है। इतना छोटा भी नहीं है, 10x12 का ये रूम साइज है। इसके साथ भी आपको बड़ी बालकनी मिलती है, एक बार बालकनी का व्यू देखें। तो ये बालकनी का व्यू मिलता है, इसको भी आपको मैं दिखाऊं, तो ये व्यू है। सामने रुद्रा अपार्टमेंट मैंने दिखाई दिया। यहाँ से जो रोड आप देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, सीधा पालम फ्लाईओवर होते हुए आप गुड़गांव जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, यहाँ से पास है, जनकपुरी जाना हो, ये पास है यहाँ से डाबरी। तो 3 बेडरूम्स मैंने आपको दिखा दिए, इसमें आप 4th बेडरूम की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है 4th रूम, इसमें भी आपको वार्डरोब मिल जाएगी। इसके साइज़ की बात करूँ तो 8x12 और लगभग 13x2, 4, 6, 8, 10, 10x13 का रूम साइज़ ये है। इसके साथ भी आपको एक बड़ी बालकनी मिलती है। इसको कई लोगों ने, यहाँ पर कई लोगों ने पूजा घर बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ईस्ट इधर है आपका, तो कई लोग इसको पूजा रूम बना लो, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशरूम और ये सर्वेंट रूम, इस तरह से भी देख सकते हो। तो अगर सर्वेंट मतलब ये भी यूज़ कर सकता है, यहाँ पर यूटिलिटी बालकनी बना लो आप जैसे मर्जी, वॉशिंग एरिया बना लो इसको, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हो ये वॉशरूम के साथ में। तो ये सर्वेंट वाला वॉशरूम ये है, अगर आपको सर्वेंट नहीं भी रखना है तो उस वाले जो रूम है छोटा, उसको आप स्टोर बना सकते हो। इस एरिया को आप स्टोर बना लो या फिर सर्वेंट रूम है ये। इसकी जो आस्किंग है वो है 3,35,00,000 रुपए, तो इसके लिए आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। यस, मोबाइल नंबर भी मेरे मेंशन है, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सैटरडे संडे साइट विजिट भी कर सकते हैं इसकी। तो उम्मीद करूंगा आपको फ्लैट पसंद आया, तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर कर दें,
और किसी को भी अपना फ्लैट रेंट आउट या सेल आउट करना हो द्वारका में तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसमें। तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।